शीतकालीन सत्र में सुरक्षा को लेकर स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी 3 दिन का सत्र ही प्रस्तावित है और सत्र बढ़ाने के लिए निर्णय 26 तारीख को सुबह मीटिंग के बाद लिया जाएगा। सत्र के दौरान सिक्योरिटी लैप्स न हो, इसे लेकर हरियाणा, चंडीगढ़ एवं पंजाब के अधिकारियों से मीटिंग की है। सत्र के दौरान सभी की सुरक्षा चंडीगढ़ पुलिस की है, पंजाब एवं हरियाणा पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है। विधानसभा में नीचे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है ताकि जरूरी जानकारी साझा की जा सके। कोई भी इवेंट होता है उसकी सिक्योरिटी भी हमने की है और उस मीटिंग में बारीकी से इस सत्र में किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो उसके लिए हमने समीक्षा की है। विशेष तौर पर क्योंकि सिक्योरिटी चंडीगढ़ के जिम्मे है, चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ के अंदर कोई भी चाहे सत्र होता है या कोई भी इवेंट होता है उसकी सिक्योरिटी प्राइमरली चंडीगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है, तो आज स्पेशली मैंने चंडीगढ़ के अधिकारियों से निवेदन किया है कि सत्र के दौरान पूरी संख्या में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं वो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा किए जाने चाहिए, पुलिस पर्सनल यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। हरियाणा पुलिस या पंजाब पुलिस तो केवल चंडीगढ़ पुलिस को असिस्ट करने के लिए या जानकारी के लिए बनाई गई है। हमने यहाँ नीचे एक कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए जिसमें सभी कंसर्न्ड ऑफिसर्स जो उस कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी की दृष्टि से बैठेंगे इसकी व्यवस्था की है और उसके साथ साथ उनका कॉमन जो व्हाट्सएप ग्रुप है कि कोई भी जो जानकारी है, कोई भी मैसेज है वो तुरंत आपस के अंदर साझा कर सकें, एक कॉमन जो मैसेज है ग्रुप है वो भी हमने बनाने के लिए कहा है। और उसके अलावा जो 7 हमारे कॉमन एंट्री पॉइंट्स हैं पंजाब विधानसभा के और हरियाणा विधानसभा के, उन 7 एंट्री पॉइंट्स के ऊपर पूरी तरह से जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो सतर्क रहें, इस प्रकार की भी हमने एडवाइस दी है। और हमारे जो यहाँ पर विधानसभा के जो सिक्योरिटी या सुरक्षा अधिकारी हैं उनको इन सभी बारीकियों को देखते हुए